हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की मुझे मेरी वीडियो है ना बहुत स्लो लग रही है एसएससी की स्पीड को देखते हुए, कि 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और 7 तारीख को इन्होंने आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो फाइनली आप लोगों की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। मैं तो जस्ट अभी उठ के प्रैक्टिस करने के लिए निकली थी कि मैं चलो प्रैक्टिस करके आते, फिर मैंने देखा कि आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। जो लिंक था वो दिन में आ गया था, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद या तो रात तक या कल तक आपके आंसर की आएगी, लेकिन 5 बजे से पहले ही आपके आंसर की आ गई है। तो सबसे पहली बात आज जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपनी आंसर की चेक कर लो, उसके बिहाफ पे दूसरी हम बात करेंगे कि किन लोगों को अपनी जो फिज़िकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, तीसरी की फिज़िकल की तैयारी करनी कैसे है, और चौथी मेन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जो भी ये बीच का टाइम था इसके अंदर थोड़ी सी वीडियोस भी कम आई, क्योंकि जो ट्रेनिंग है मेरी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, मैं जो ट्रेनिंग कर रही हूँ सबको पता है आपको, ट्रेनिंग के अंदर भी एग्ज़ाम्स होते हैं और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे कंटिन्यूसली, 2 हफ्ते हो गए होंगे, संडे को छोड़ के कोई गैप नहीं है, ऐसे हेक्टिक सा स्केड्यूल हो रखा था बिल्कुल। आज सैटरडे है तो कल संडे होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और आप लोगों से भी चलो इस बहाने बात कर लेते हैं कि आंसर की आ गई, ऊपर से मुझे आप लोगों को फिजिकल से रिलेटेड भी बात करनी थी। तो सबसे पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ मैं, सब लोग अपनी जाके आंसर की चेक कर लो। आपका जो भी स्कोर रहा है आंसर की के अकॉर्डिंगली, अभी मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सेफ स्कोर वगैरह नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिन भी लोगों का जो UR कैटेगरी से आते हैं और जिनका 115 से 120 के आसपास स्कोर है, वो मेल है या फीमेल है, अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, जी जान लगा के लग जाओ, ऐसे नहीं कि बहुत हल्की फुल्की। और जिनका जो बाकी कैटेगरीज़ के हैं उनके लिए भी बहुत जल्दी एक वीडियो दे दी जाएगी, जिसके अंदर एक सेफ स्कोर आपको बता दिया जाएगा कि फिजिकल के लिए अगर इतना स्कोर है तो आपको लग जाना चाहिए। यहाँ जो इस एग्ज़ाम के अंदर इस बार गेम प्ले करेगा वो होगा आपका फिज़िकल टेस्ट, क्योंकि आपका 1 महीने के अंदर करवा लिया जाएगा। और 1 महीने के अंदर फिज़िकल की तैयारी ऐसे बच्चों के लिए करना जो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थे अपनी जो फिज़िकल की तैयारी है उसके साथ में, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर रखी है फिज़िकल की, तो अभी से लग जाओ। थोड़ी सी टिप्स मैं आपको फिज़िकल से रिलेटेड दे देती हूँ। फिज़िकल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो अभी इशू होने वाला है वो आपको होगा कि आप बिल्कुल रो हो, बहुत नए हो इस फील्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, और आप फिज़िकल की तैयारी करने के लिए जाओगे तो आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसे लगेगा कि बहुत कम टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेते हैं, और उसकी वजह से एक ही दिन आप हाई जंप भी कर रहे हो, लॉन्ग जंप भी कर रहे हो, वार्म अप आपने अच्छे से किया नहीं है, आपने रनिंग कुछ गलत तरीके से कर ली, तो उस केस में आपके साथ क्या होगा कि आपका पूरा जो टाइम था जो आपने प्री के ऊपर एफर्ट डाले, उसके बाद अभी जो फिज़िकल के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी इंजरी हो गई जो आपको फिज़िकल में अपीयर नहीं होने देगी, तो आपका पूरी आप एक टाइप से बोल सकते हो ये CPO का अटेम्प्ट ही वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऐसी नहीं है कि जो आप खुद सीख के खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दिक्कत आएगी अभी, तो आपको इस केस के अंदर क्या करना है कि किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। प्रोफेशनल किस टाइप का हो सकता है, प्रोफेशनल आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, जो आप कभी जिन्होंने फिजिकल की तैयारी की हो या बहुत अच्छे से वो स्पोर्ट्स में रहे हों, तो आप उनके साथ में जाके अपनी तैयारी कीजिए। अदरवाइज़ क्या करना, जहाँ भी नियरेस्ट सिटी के अंदर आप रह रहे हो, जिस भी सिटी के अंदर आप रह रहे हो, उसी के अंदर कोई ना कोई आपको ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो किसकी तैयारी करवाते हैं, फिजिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। हाँ, वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा कि लाइक 1-1.5 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं उसके अंदर, लेकिन 1-1.5 हज़ार रुपये के साथ में अगर आपका अटैम्प्ट बच जाता है, आप अच्छे से फिजिकल दे पाते हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप फिजिकल की ट्रेनिंग के साथ में अगर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। पिछली बार भी मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे को जो मेरे बैच की लड़कियाँ थी या मेरे बैच के बच्चे थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी किसी टीचर की, मैंने पिछली बार फिर काफ़ी सारे बच्चों को रिकमेंड किया था, वो है शिष्या फिजिकल एकेडमी, जो आपका मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर के पास में ही ये करवाते हैं, तो आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनका जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूँगी। तो जो भी दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास से हैं, वो
वो लोग इनके पास जा सकते हैं और अपनी फिजिकल की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी बच्चे इनके पास में गए थे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था उनका, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी रिकमेंड कर देती हूँ कि अभी जो लोगों को जाना है अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए वो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो लोग दिल्ली में नहीं हैं, आप अपने नियरेस्ट सिटी के अंदर जहाँ पे भी आप रहते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गांव में रहते होंगे, तो गांव में रहते होंगे तो गांव में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा या कहीं ना कहीं रनिंग वगैरह करते होंगे लोग, जहाँ पे थोड़ी बहुत उनको नॉलेज होगी कि आपको कैसे करनी चाहिए, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या अपनी सिटी के अंदर जो भी आपकी फिजिकल की तैयारी करवाता है आप उनके पास जा सकते हो। और जो लोगों के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कुछ भी करना है ये केसेस के अंदर, तो उन लोगों के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि आपको जब भी अपना वर्कआउट करना है वो प्रॉपर वार्म अप करके करना है। वार्म अप जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको कूल डाउन की एक्सरसाइजेस करनी है। एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों का ये फिजिकल करवाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी स्टेमिना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्ड कर सकते हो उतना करो, टाइम दो अपना रनिंग को। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन के अंदर चीज़ें हो जाती हैं। आपको जैसे 1600 मीटर की अगर लड़कों की रनिंग है तो उनको मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ कि 3000 के आसपास, 3000 मीटर या मतलब आप उससे भी ज़्यादा डेली रनिंग करो, एक आपका थोड़ा सा स्टेमिना बिल्ड हो जाए, जिससे अगर आप 1600 की रनिंग है और सिर्फ 1600 ही भागोगे तो उस दिन आप थोड़ा सा थक जाओगे उसकी वजह से। और जो भी आप लोगों का अभी टाइम आता है, जो भी आपके मेजरमेंट्स आते हैं, उनके लिए अभी से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिन लोगों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आता है वो एग्जाम वाले डे के ऊपर फिर भी कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतने सारे कंपटीशन के साथ में आप भागते हो तो चीजें बेटर हो पाएंगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ टेंशन एक रखनी है कि आपको कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए और आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस जो है वो करते रहो। संडेज़ को आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हो, बॉडी की रिकवरी भी ज़रूरी है। बॉडी की रिकवरी के साथ में एक चीज़ और आप लोगों के लिए साथ में इशू क्रिएट करेगी, वो होगा मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि जिन भी लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है उन लोगों के लिए मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि पूरा टाइम आप फिजिकल को ना देके थोड़ा सा टाइम आप लोगों को जो अपनी मेंस की तैयारी है उसको भी देना है। तो दिन में जैसे सुबह आपने फिजिकल कर लिया, शाम को भी आप फिजिकल करोगे, तो दिन में कोशिश करनी कि कम से कम 2 से 3 घंटे एटलीस्ट आप निकाल लो, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर वगैरह कवर कर लो, जिसकी वजह से आप लोगों का क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि जैसे फिजिकल के बाद एक महीने के अंदर फिर मेंस होगा तो फिर मेंस की वजह से आप लोगों का जो स्कोर है या तो वो बहुत कम चला गया या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए अपना टच नहीं छोड़ना है किसी को भी फिजिकल के साथ में। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बिल्कुल टच छोड़ देते हैं पढ़ाई के साथ में। आप लोगों का मेंस बहुत पास में है तो आप लोगों को टच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अपनी रेगुलर बेसिस के ऊपर इंग्लिश भी पढ़ते रहना है और जो फिजिकल की तैयारी है वो भी करना है। सिर्फ इंजरी नहीं होने देनी है, बाकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एक महीना मोर देन इनफ होगा, आप लोग आराम से प्रिपरेशन भी कर पाओगे। होपफुली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटी रही होगी इस वीडियो के थ्रू। बाकी और भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाती रहूँगी, और जो सेफ स्कोर वगैरह है उससे ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कोई एक वीडियो लाई जाए, या फिर मैं टेलीग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू किसी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को मैं बता दूँ कि हाँ आपको कितना स्कोर करना चाहिए। बाकी मैं पोल वगैरह डाल के कलेक्शन वगैरह करते हैं डाटा का कि कितने लोगों का क्या स्कोर है, उसके अकॉर्डिंगली आगे चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।